किसान आंदोलन को लेकर आज अहम बातचीत होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इस बीच पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हम पूरी तरह से सकारात्मक माइंड के साथ हैं। बैठक से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। हमें पूरा विश्वास है कि बैठक से कोई पॉजिटिव चीज़ ही निकल कर सामने आएगी। आगे उन्होंने कहा, आज हमारे मंत्रियों के साथ बैठक है। हम चाहते हैं कि पीएम मोदी भी उनसे बातचीत करें, ताकि हम अपनी मांगों के समाधान तक पहुंच सकें। हमें दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि किसानों की तरफ से कुल 12 मांगें रखी गई हैं, जिन पर आज वह सरकार से वार्ता करेगी। सभी फसलों की खरीद के लिए MSP गारंटी कानून केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से फसलों की कीमत तय हो। यही नहीं, सभी फसलों के उत्पादन की औसत लागत से 50% ज्यादा MSP किसानों को दी जाए। किसान और खेत में काम करने वाले मजदूरों का ऋण माफ किया जाए। किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखने के संबंध में मांग किसान कर रहे हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को पेंशन देने की मांग। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू करने की मांग। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा देने की मांग। साथ ही आरोपियों की जमानत रद्द करने के संबंध में ठोस आश्वासन। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने की मांग। UPA सरकार के द्वारा लाए गए मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम दिया जाए, साथ ही 700 रुपये मजदूरी की मांग। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिजनों को मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।